व्यस्त होंगे आप सभी को मेरी नमस्ते। एंड ये है टाटा की तरफ से आने वाली एंट्री लेवल कार, सेफेस्ट कार, 4-स्टार रेटिंग के साथ आती है। ये गाड़ी है टाटा टियागो एनआरजी। एनआरजी में थोड़ा सा टियागो से अलग है, बाकी इसके अंदर इंजन और लुक जो है टियागो जैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर इंजन आता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको सीएनजी का भी विकल्प यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑन योर स्क्रीन जो मॉडल है ये है XZ ऑटोमेटिक। इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और जो CNG के अंदर जो वेरिएंट आएगा उसके अंदर आपको केवल मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑफिशियली इसका कोई राइवल है नहीं, लेकिन इसका प्राइस रेंज जो है 6.50 से लेकर 7.45 तक जाता है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इसके राइवल्स बहुत से गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्राइस रेंज में आपको और कोई गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी एज ऑफ नाउ। इसके अंदर और हमें क्या मिलेगा आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी वीडियो की शुरुआत जैसे हर वीडियो में रहती है, सबसे पहले हम एक्सटीरियर लुक की बात करेंगे, फिर इसके इंटीरियर में जाएंगे, लास्ट में इसके टेक्स स्पेक्स को जरूर कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। फ्रंट में आपको बिल्कुल टियागो जैसा ही आपको लुक देखने को मिलेगा। सामने की जो हेडलाइट का सेटअप है वो हेलोजन में दिख जाएगा, फॉग लैंप आपको दिख जाएगा हेलोजन में। अलग जो है इसमें अंदर आपको यहाँ पर ये जो फाइबर पार्ट जो इंसर्ट कर दिया गया है ये वाला, ये आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बम्पर पर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जो इसको टियागो से बिल्कुल अलग कर देती है, ये है इसके अंदर डिफरेंस। बाकी यहाँ पर हेलोजन में हेडलाइट मिल गई, क्रोम इंसर्ट मिल गया, और सेंटर में टाटा का लोगो मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। साइड में चलते हैं, साइड में आपको 15 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। टायर प्रोफाइल रहेगी 175/65R15 का, और जो ये सामने आपको लग रहा है ना अलॉय व्हील है, बट है नहीं, ये स्टील रिम है। आप ये ऊपर जो है फाइबर में या प्लास्टिक में आपको व्हील कैप नज़र आ जाएंगे जो बिल्कुल अलॉय व्हील का लुक आपको दे रही हैं। और सामने की तरफ डिस्क ब्रेक ABS CVT इसके अंदर आ जाता है। टायर से आगे बढ़ के ये जो व्हील आर्क है ये आपकी लास्ट तक जाती हुई नज़र आएगी। पीछे भी बम्पर पर आपको ये व्हील आर्क देखने को मिल जाएगी। ORVMs पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और ग्लोसी ब्लैक में आपको यहाँ पर ORVM देखने को मिलेगा। डोर हैंडल पर भी ग्लोसी ब्लैक का टच है मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है फ्रंट के दरवाजों पर। इधर भी आपको ग्लोसी ब्लैक का टच देखने को मिलेगा, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक बना रहे इसलिए यहाँ पर ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है आपको यहाँ पर दरवाजों पर भी देखने को मिलता है, और एक आपको यहाँ पर सी पिलर पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्रेक्स हैं पीछे के, ड्रम ब्रेक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं आपको क्या मिलने वाला। ऊपर आपको सेंटर माउंटेड स्टॉप लैंप मिल गया है, यहाँ पर आपको ये दो प्लास्टिक इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे दोनों कॉर्नर में, थोड़ा सा फील कराएंगे कि ये स्पॉइलर हैं। और यहाँ पर आपको रियर डिफोगर, रियर वाशर एंड रियर वाइपर देखने को मिल जाएगा। बीच में बूट लिड पर आपको यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है बिल्कुल टाटा के लोगो के नीचे मिलेगा, और यहाँ से आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं। टाटा लोगो के लेफ्ट हैंड साइड आपको टियागो की बैजिंग मिल जाएगी, और राइट हैंड साइड आपको NRG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये प्लास्टिक इंसर्ट यहाँ पर एक दे दिया गया है NRG जो इसको थोड़ा सा टियागो से अलग करता है। नीचे बम्पर पर आ जाएं तो बम्पर पर आपको दो रिवर्स पार्किंग के सेंसर मिल जाएंगे, एंड ये प्लास्टिक इंसर्ट आपको जैसा सामने देखा था वैसा ही आपको पीछे भी दिख गया, एंड सेम वे यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट भी देखने को मिलता है। अंदर जाने से पहले छत की ओर थोड़ी नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल जाएंगी, ग्लोसी ब्लैक में आपको रूफ मिल जाएगी, और एंटीना बीच में आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। नॉर्मल एंटीना है, सार्फिन एंटीना वगैरह नहीं है। अंदर सबसे पहले बात करते हैं डोर पैड्स की। डोर पैड्स आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेंगे, चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, एंड सामने की जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो वन टच डाउन देखने को मिलेगी। यहाँ पर 1 लीटर की वाटर बोतल ही अकोमोडेट कर सकते हैं, इनफैक्ट आधा लीटर की, और इधर आप कुछ पेपर वगैरह रखना चाहें तो स्पीकर की प्लेसमेंट आपको डोर पैड पे देखने को मिल जाएगी। डोर पैड के बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले सीट्स की बात कर लें। सीट्स जो है आपको फाइबर अपोलिस्ट्री के साथ देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पर सीट पर ना
आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी, इसलिए वैसे आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे रेक्लाइन फंक्शन और आगे पीछे पोजिशन करने के फंक्शन सेम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छा खासा सा डेड पेडल देखने को मिल जाएगा और एक्सलेटर एंड ब्रेक, बिकॉज ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नहीं है। पर आएंगे डैशबोर्ड पर, तो आपको सबसे पहले एसी वेंट्स के बारे में बता दूं। एसी वेंट्स आपको ग्लोसी ब्लैक टच के साथ देखने को मिलेंगे, बीच में आपको यहाँ सिल्वर इनसेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट स्विच है इधर आपको क्रोम टच देखने को मिल जाएगा। सेम आपको जो स्पीडोमीटर है बिल्कुल टियागो और टिगोर जैसा ही देखने को मिलेगा, डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है अलोंग विद यहाँ पे ये आपको क्रोम टच के साथ। एक क्रोम इनसेट आपको यहाँ पर और एक आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड आपको पुश स्टार्ट बटन इसका स्विच देखने को मिल जाएगा। दो एयरबैग्स आते हैं सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से इसके अंदर स्टैंडर्ड हर एक वेरिएंट में। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट देखने को मिलेगा, स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड फ्लैट बॉटम आपको यहां पर स्टीयरिंग व्हील देखेगा, जिस पर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, वॉइस कमांड वगैरह सारी फंक्शनलिटी आपको इधर देखने को मिल जाती है और बीच में टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये सारा जो हिस्सा है ये वाला पार्ट जहां पर आपको ये स्विच वगैरह दिए हुए हैं ये आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील के पीछे राइट हैंड साइड आपको हेडलाइट के कंट्रोल एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पर एसी मिडल के जो एसी वेंट्स देखने को मिल गए उस पर भी आपको यहाँ पर सिल्वर टच देखने को मिलेगा और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के सराउंडिंग है वो आपको ग्लोसी ब्लैक में देखेगी और यहाँ पर ये हरमान का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये आप पैलोट और एंड्रॉयड कार प्ले के साथ आपको ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए स्विच, लॉक अनलॉक, आपका फ्रंट डिफोगर एंड फॉग लैंप के बटन्स यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके नीचे सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पर एसी के कंट्रोल देखने को मिलेंगे सारे के सारे। आपको यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं इधर फैन की स्पीड और यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। फ्रेश एयर इनके लिए आपको यहाँ पर बटन दे दिया गया है और सेंटर कंसोल में नीचे की तरफ आपको एक यूएसबी स्लॉट मिल गया जहाँ पर आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की यूएसबी लगा सकते हैं और उधर ही आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको यहाँ पर स्पेस मिल गया है, यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। 5-speed ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है ये, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली भी आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर दो आप यहाँ पर ग्लास होल्डर बोल सकते हैं, यहाँ पर दो ग्लास आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। नॉर्मल आपको बेसिक सा हैंड ब्रेक और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर पीछे की तरफ भी देखने को मिलेगा ताकि रियर वाले पैसेंजर यहाँ पर वाटर बॉटल रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इधर आपको यहाँ पर जो ग्लो बॉक्स है गाड़ी की साइज, गाड़ी के कैटेगरी के हिसाब से आपको बहुत से स्टोरेज, अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको ग्लो बॉक्स में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको पिलर्स में दिखेगी, एक आपको यहाँ पर ए पिलर में लेफ्ट हैंड साइड और एक आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगा। ट्विटर के बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिल गया ड्राइवर साइड के पास। सनसेट आपको नॉर्मल बेसिक मिलेंगे टिकट होल्डर, यहाँ पर भी एक छोटा सा दिया गया है, आप यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट कागज़ वगैरह रखना चाहें तो। ऊपर वॉइस कमांड के लिए माइक वगैरह की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर ड्राइवर के पास मिल जाएगी। और IRVM जो है आपको बेसिक मिलेगा, नॉर्मल एडजस्टेबल आपको IRVM देखने को मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड का जो सनसेट है उसमें आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा एंड को ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल मिल गया और कैबिन की जो लाइट है वो LED में देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में हमें क्या देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर ना ड्राइवर साइड यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है कुछ सामान वामान रखने के लिए। सेकंड रो में आपको जो डोर पैड है हार्ड प्लास्टिक के साथ देखने को मिलेगा, बीच में यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे और ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर डोर पैड पर दिखेगी। ट्विटर दिया गया है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्विटर अवेलेबल है एंड जो मेन स्पीकर है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं ट्विटर दिया गया है, किसी तरीके की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। जनरली होता ये है कि ट्विटर आपको फ्रंट में ही देखने को मिलता, रियर में नहीं देखने को मिलता। खैर अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ सबसे पहले बीच में यहाँ पर एक हल्का सा बम्प नज़र आएगा आपको, जो थोड़ा सा जो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए थोड़ा अनकन्वीनियंट, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर रहेगा। सेकंड रो में जो है ग्रैब हैंडल इस तरफ भी मिल गया और उस तरफ भी देखने को मिलेगा, दो ग्रैब हैंडल मिल गए और जो हेडरेस्ट है वो आपको नॉर्मल हेडरेस्ट मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल नहीं है और तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट ऑफर कर दी गई है। सीट की अपहोल्स्ट्री जो है आपको कपड़े की देखने को मिलेगी एंड जो सीट का कम्फर्ट
काफ़ी अच्छा है और हेडरूम भी इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको अच्छा खासा है जो है आपको हेडरूम देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो रियर रूम में और कुछ खास आपको नज़र नहीं आएगा। हेडरेस्ट थोड़ा हाइट एडजस्टेबल होता ना पीछे वाला, तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता। यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके बूट और देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का इसका बूट देखने को मिलेगा। ये टायर रिपेयर किट आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। ये इसकी एसेसरीज हो गई। और टायर रिपेयर किट के अलावा भी यहाँ पर स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है। जो प्रोफाइल है इसकी 155/80 R13 की देखने को मिलेगी। बूट कर देते हैं बंद। बूट बंद करने के लिए यहाँ से आप इसका बूट बंद कर सकते हैं। Here we go. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसका इंजन जो है वो यह है इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो आपको CNG के साथ भी देखने को मिलेगा। और CNG में इसकी थोड़ी सी पावर फिगर जो ना थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है। बाकी ये वाला इंजन आपने टाटा की दूसरी गाड़ियों में भी देखा होगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट टाटा टियागो NRZ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा इसकी टेक्निकल डिटेल्स जो है आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। टेक्निकल डिटेल्स मतलब इसकी डायमेंशन, प्राइस, रेंज, वेरिएंट्स वगैरह जो है आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो इसके अलावा यदि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है या फिर आपको इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। हम वहाँ पर मोटर नॉलेज डाटा के नाम से अवेलेबल है। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप 2-व्हीलर चलाते तो हेलमेट का प्रयोग, और 4-व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून। जय हिंद।